मनमोज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। मैं सीधे तौर पर बताना चाहूंगा, मैं आसी कोट में बैठा हूँ। ये जो गुड़िया मेरे साथ बैठी है, ये नारनौद क्षेत्र थाने में आव है इनका गांव, और ये आज कोर्ट में बैठी है, तो कोई ना कोई बहुत भारी मामला होगा। सीधे तौर पर लड़की से बात कर लेते हैं। हाँ गुड़िया, राम राम बहन जी। राम बहन जी, क्या मामला है? देखिए नाम नहीं बता सकते, पोक्सो एक्ट का मामला है, लड़की नाबालिग है, आप समझदार हो, हर चीजों को समझते हो, नारनौद थाने का मामला है, इतना क्लियर है। तो बहन जी क्या हुआ? देखिए जो कुछ कहना सच कहना, सच सच सिर्फ और सच। चाची ने बात कराई थी दीपक से। कौन है दीपक? दीपक नारनौद का। ठीक है, तो आपसे बात कराई उसने? हाँ। कब कराई? 2 महीने पहले। चाहिए, चाची कौन है? चाची पड़ोस में। आप अच्छे से जानते थे, बढ़िया बोलचाल थी। हाँ। परिवार की भी? हाँ। बढ़िया। अच्छा कैसे हुआ स्टार्टिंग में, मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में चाची ने बात कराई है, बोली कि लड़का है ये देखो, मैं कहीं मैं जानती नहीं इसको कौन है ये। ये बोली तू बात कर ले, मैं अपने आप कर दूंगी सब। मैंने करीब 15 दिन बात की, 15 दिन के बाद मेरा भाई दिया उसने अपने ही घर बुला के। आप कौन सी क्लास में पढ़ो हो? एज कितनी आपकी? 16। और कौन सी क्लास में पढ़ो हो? 12वीं। 12वीं क्लास। मतलब क्या बात करी 15 दिन स्टार्टिंग में? पहले दिन कौन था वो, किस तरह से बुलाया या फोन पे क्या बात हुआ करती, थोड़ा सा क्लियर खुल के बताओ। फोन पे बात होती थी पहले, उसने बात की 2 मिनट मेरे से बात होने से पहले। आपसे बात होने से पहले उसी लड़के से आपकी चाची ने बात करी? हाँ। ये बात करना? हाँ। चाहूंगा, चाची ने बात करी फिर मेरी बात कराई। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके कहने का मतलब सीधे तौर पे ये है कि वो जो लड़का है वो आपकी चाची का बॉयफ्रेंड था? ये नहीं पता मुझे क्या था वो क्या नहीं, ये नहीं मालूम। नहीं। आपसे क्या बात हुई या 15 दिन आपने उस तक कंटिन्यू जो बात करी, आप कितने टाइम या कब या कहाँ, आपका परिवार कहाँ रहता था जब आप उससे बात करती थी? उसके चाची के फोन पे ही बात होती थी, तो चाची बात करवाती थी। आप स्पेशल बात करने के लिए चाची के घर में जाया करते हैं? चाची भी आ जाती थी घर और मैं। हरे घर में? हाँ। ठीक है, तो कितनी कितनी देर बात कराया करते हैं? 15-20 मिनट करते। दिन में कितनी बार? दिन में 3-4 बार। डेली? हाँ। अच्छा, तो क्या ये बातें जबरदस्ती कराई थी? हाँ जबरदस्ती कराई थी। नहीं, किस चीज का प्रेशर था गुड़िया आपके ऊपर? देखिए आपने बुरा लगा शायद, लेकिन किस चीज का प्रेशर था बहन आपके पास? कुछ आपकी कमजोरी थी उनके पास? हाँ कमजोरी थी। मैं बोली कि मैं मेरे घर वालों को बता दूंगी सारी बातें। ये बोली तो बताएगी तो मैं तेरी सारी बता दूंगी घर। नहीं, आपकी क्या थी जो आपकी वो क्या बताने वाली थी? मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बताने वाली। तो आप क्यों डरे जब आपने किसी से कुछ इस लड़के के बारे में बोली कि सभी बता दूंगी मैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? 15 काफी दिन बात करी, 15 दिन बात करी आपने? हाँ। 15 दिन बात करने के बाद में जिस दिन ये हादसा घटा वो आप वो कहाँ की बात है? 15 दिन बाद खुद के घर में आया, लड़के को घर बुलाती। चाची के घर में? चाची के घर में। आपको बुलाया? हाँ मुझे बुला के लेके गई। किस टाइम की बात है ये, कितना बजे लग रहा? दोपहर की बात। दोपहर की बात? हाँ। पहले आप गई? हाँ नहीं, पहले वो लड़का आया हुआ था। वो लड़का ऑलरेडी उस घर में था? हाँ। उस घर में बाकी फैमिली मेंबर और कोई नहीं था? कोई नहीं था। कहाँ चले गए थे? चाचा चाचा कहाँ थे? चाचा बाहर गए हुए थे। अच्छा, और बाकी? बाकी बार गए हुए थे। घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। ठीक है, जब आप गई तो ऑलरेडी वो लड़का वहाँ पर था? वहाँ पे था। तो क्या जाते ही क्या बोला आपको, या आपने उससे क्या बात करी, आप क्यों आए हो, या आपको बुलाया था कि भाई वो आ रहा है? बुलाया था, बोले कि घर आ जाए एक बार। ठीक है, मैं घर चली गई। मैं बोली क्या बात है? बोली ये देख दीपक आया हुआ। अच्छा, मैं कहा किस लिए आया हुआ है ये तो बोल। नहीं मुझे नहीं पता, उसने खुद के घर में। वो वही थी उस समय? हाँ वही थी। उसी कमरे में? नहीं, हमको कमरे में छोड़ दिया और बाहर चली गई। तो आपने विरोध नहीं किया मेरे साथियों की? इतने भी बालक नहीं है बेटा, आपने थोड़ा सा समझना चाहिए था, आपने विरोध नहीं किया? नहीं, दबाव दे रखा था, ये बोले कि सारी बात बता दी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? एक बार वो हो गया, आप अपने वो अपने चला गया, आप अपने घर पे आ गई। हाँ। आपने आके मम्मी पापा परिवार भाई किसी को बताया? किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? डर के मारे नहीं बताया। तो फिर
आगे आगे 6 तारीख को बात हुई। ये बोली चाची की तू शादी कर ले इससे, मैं अपने आप करवा दूंगी सारा काम। वो आपके गांव का नहीं है लड़का? नहीं, दूसरे गांव, दूसरे गांव का। ठीक है, तो आपकी चाची ने आपको ये बोला कि आप ही इस लड़के से शादी कर लो। हाँ। मैं करवा दूंगी शादी। हाँ। ये बात हुई? हाँ, ये बोला। तो आप मान गए? क्यों आपने अपने परिवार से, मम्मी से, पापा से बात नहीं करी? किसी से कुछ नहीं। बस आप खुश हो गए? वो बोले कि मैं अपने आप करवा दूंगी शादी। नहीं, आपने सोचा कि अब तो इसी के साथ क्यों नहीं कर लो शादी, ऐसा कुछ होगा? नादान थी भाई, क्योंकि दिमाग पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, छोटी बच्ची है। कानून के आधार पे भी 18 साल की लड़की जब तक नहीं होती तो वो नाबालिग रहती है, और वो माइंडली भी और फिजिकली भी मैच्योर नहीं हो पाती। फिर क्या हुआ गुड़िया, शादी हुई? नहीं, वो मेरे गांव से मुझे अपने बुआ के घर। आपको गांव से भगा ले गया? हाँ। तो ये किस टाइम की या कब की बात है? आप कैसे निकले घर से? चाची ने भेजा घर से, दोनों आए हुए थे, दीपक और उसके साथ था लड़का वो। आप भाग गए? हाँ। किस पे, किस में बैठ के गए? स्कूटी पे। दो लड़के थे? हाँ, दो लड़के। एक वो था, एक और था कोई? हाँ। ठीक है, कहाँ लेके गए? अपनी बुआ के गांव में। हाँ, एक लड़का था जो वो नारनौंद उतर गया। और कितने दिन रुके वहाँ? 4-5 दिन। वहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या था उसका? वहाँ पे उसकी बुआ थी। हाँ। तो उसकी बुआ के परिवार ने, उस घर ने विरोध नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं कहा। सेम कास्ट से हो आप दोनों? नहीं, अलग अलग। अलग अलग कास्ट से हो? हाँ। तो क्या बोले वो परिवार वाले, उन्होंने, उनको मालूम था आने वाला है? हाँ, पता था उनको। तो पहले आप वहाँ दोनों वहाँ पहुँचने वाले हैं? हाँ। तो आप कहाँ रहे उस घर में? बुआ के घर में, कमरे में। तो वहाँ सेफ थे या वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ? वहाँ भी ऐसा ही हुआ। लगभग कितनी बार? लगभग बहुत ही बार हुआ सर। तो गुड़िया वापसी क्यों आए? आप भाग गए, आप वहां चले गए, अगला भी खुश था शायद, चाहे डर में थे आप भी खुश थे, फिर वापस क्यों आ गए? वापस इसलिए आए कि वो बोले कि थाने में चलना है, ये बोलना कि साला सर गए हुए थे, अगर ये नहीं बोला तो तुझे और तेरे घर वालों को मार देंगे। सच्ची है बात? हाँ, सच्ची है सर। या अब अपने परिवार के दबाव में आके, पहले आप उनके दबाव में बोल रही थी, अब परिवार के दबाव में आके तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर, कोई दबाव नहीं है घर वालों का। तो आपके परिवार को मतलब भाई खत्म करने की धमकी दी उन्होंने? हाँ। और आपको भी? हाँ। तो आपने थाने में आकर, कहाँ थाना? हसी नारनौंद थाने में आके क्या बोला आपने? मैंने बोला कि सालासर गए हुए थे घूमने। आप सालासर गए थे? हाँ। आपने ये लिख दिया, साइन कर दिया वहाँ पे? हाँ, साइन कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, छोड़ दिया आप लोगों को, भेज दिया? हाँ। आप वापस उसी के साथ गए? नहीं, तो हसी भेज दिया। यहाँ तो ना एक नया मोड़ आ रहा है, ये कहना चाह रही है कि पहले तो वो इसको भगा ले गया, लेकिन बाद में उनकी FIR वगैरह आपके परिवार वाले ने कटवाई होगी कि आप चली गई हो घर से, कटवाई थी? हाँ। तो उसके दबाव में आके या फिर अलग कास्ट में परिवार के दबाव में आके आपको वापस ये इस तरह के बयान करवा के अपने घर भेज दिया, यानी कि आपके खुद के घर, आपके पिताजी के घर, ये बात है? हाँ। फिर घर जाने के बाद में पिताजी ने क्या बोला? पिताजी ने तो ये बोला कि जो तेरे साथ हुआ वो सच्ची बोल दे सबको। तो आपने बताई सारी बात? हाँ, सारी बताई, शुरू से आज तक जो मेरे से बताई वो सारी बताई। हाँ। फिर दोबारा FIR कराई? दोबारा करवाई नारनौंद थाने में, कुछ नहीं बोला, ये बोले कार्रवाई हो रही है, हो रही। तो अब आप क्या चाहते हो? देख, क्लियर कट सी बात है, आप अपने पापा के साथ रहना चाहते हो, और ये केस जो भी है, मामला जो चल रहा है, जो तो इसमें कार्रवाई चाहते हो कंप्लीट? हाँ, कार्रवाई चाहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। एकदम से क्यों बदल गया? ऐसा क्या हुआ आपके माइंड में कि अब आपको इंसाफ चाहिए? वो दबाव में था, सब कुछ था। अच्छा, वो जबरदस्ती था? हाँ। तो अब क्या, अब दबाव नहीं है? अब किसी का दबाव नहीं, फैमिली का दबाव नहीं है, किसी का भी नहीं। अच्छा, कुछ पैसे वगैरह की भी बातें आई थी कि उस फैमिली ने आपके परिवार को पैसे वगैरह देने की कुछ कोशिश करी है, क्या? हाँ, था की थी, ये बोले कि फैसला कर ले उस फैमिली ने। हाँ। आपकी फैमिली के ऊपर दबाव दिया। हाँ, कि फैसला कर लो। हाँ। लगभग कितने रुपए देने की कोशिश करी? 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार में फैसला कर लो? हाँ। तो फिर पापा नहीं माने? नहीं माने। अब तक वो जो सस्पेक्ट है वो गिरफ्तार हुआ है?
नहीं हुआ अब तक, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बार बार कोर्ट के चक्कर कट रहे हैं, थाने के कट रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैं देखी वीडियो आप लोगों ने, ये गुड़िया क्लियर क्लियर बात मैंने बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन किए हैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब कि भाई मैंने इस लड़की के ऊपर कोई दया नहीं करी और हमारा काम भी नहीं हम किसी के ऊपर दया करें। अगर इस लड़की ने जो इल्जाम लगाए हैं और वो सच हैं तो भाई देख सजा पक्की होनी चाहिए, गिरफ्तारी पक्की होनी चाहिए। जिस जिसने उस लड़के की सपोर्ट करी गिरफ्तारी उनकी भी होनी चाहिए। और बाकी कानून है भाई, हमारा संविधान है, वो सब कुछ देख लेगा, कोई किसी से यहाँ ठाडा नहीं है। यूं तो भाई पैसे वाले रहेंगे, जिनके दौरे पैसा है लट से ठाडे हैं बस वो ही रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी इस लड़की के साथ खड़े हैं। और बेटा देखिए, अब भी मैं आपको एक बार फिर एक बात कहना चाहूँ, मेरी बहन झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, क्योंकि एक झूठ फिर 100 झूठ और फिर 100 लगातार 1000 झूठ। सच कहता जो भी कहना सच कही जाइए, चाहे उसमें कुछ भी है, ठीक है, सच्ची कही है सर, ठीक है। राम राम बहन, राम। तो वीडियो ने शेयर कर दो, राम राम भाई।